वेल गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म शेर शिवराज को लेकर। शेर शिवराज जिसने कि आपको लीडिंग में नजर आ रहे हैं पवन खिंड के एक्टर्स यानी कि अजय पुरकर और चिन्मय मंडेलकर। इवन यार इतना ही नहीं, इस फिल्म को डायरेक्शन भी सेम डायरेक्टर ने दिया है, दिगपाल लंजेकर ने। अब ऐसे में बात करें फिल्म को लेकर, तो ये भी मराठी फिल्म है एकदम पवन खिंड की तरह, और हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ड्रामा भी, मतलब कि आप ये बोल सकते हो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम है दोनों ही फिल्मों का। और आपको बता दूँ ये फिल्म भी आज रिलीज़ हो चुकी है, एक दिन कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया। देखा जाए तो पहले बता दूँ इसका जो बजट है वो है तकरीबन 8 करोड़ रुपए, और इसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के लिए कम से कम 15 करोड़ कमाने होंगे, जो कि फिल्म कमा लेगी। लेकिन अभी क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है कुछ कहना मुश्किल है। जो कलेक्शन आ रहा है फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से, वो आ रहा है तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास, जहाँ पर ये फिल्म 80 लाख के आसपास कलेक्शन कर रही है इंडिया नेट से, वहीं पर 1 करोड़ 20 लाख के आसपास कलेक्शन कर पा रही है इंडिया ग्रॉस, बोले तो वर्ल्ड वाइड के आसपास। ज़्यादा नहीं कह सकते अभी, क्योंकि शेर शिवराज को लेकर अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई पड़ी है, क्योंकि अभी जो मराठी मैन की सिनेमा है यानी कि वो ऑलमोस्ट सेटअप है अक्रॉस महाराष्ट्र, जहां पर अभी KGF का दमखम जारी है, यानी कि इस फिल्म को इतनी ज़्यादा स्क्रीन प्रोवाइड नहीं हुई है, तो अभी कलेक्शन का प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। कुछ साइट्स की तरफ से अभी अपडेट आई नहीं है। वहीं बात करें सेकेंड डे को लेकर, तो सेकेंड डे यार वो बेस करता है पब्लिक की रिस्पॉन्स पर, पब्लिक ओपिनियन पर, कि फिल्म फर्स्ट डे कितनी अच्छी तरह से कैप्चर हुई ऑडियंस के बीच थ्रू आउट। वहीं पर इसका सेकंड डे का कलेक्शन डिपेंड करेगा कि फिल्म डाउन जाएगी अपवर्ड जाएगी। वेल आपकी ओपिनियन क्या है फिल्म को लेकर आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्ट।